तो जी ये है वाटरफॉल और आज हो रही है यहाँ पे अफतारी सेवर के साथ और इस कमाल की जो है एक छोटी सी टाइनी सी वाटरफॉल है लेकिन यहाँ का सीन बहुत ही मजे का माशाल्लाह जी यहाँ से व्यू चेक करें कितना जबरदस्त और कमाल का लाइनअप है बाइकर्स का और तकरीबन हम 17 बाइकर्स हैं। बेसिकली प्लान ये है कि अमार भाई हमारे जो है ना वो कैप्टन है, अमार भाई ने जो जगह सजेस्ट की है कि बड़ा एक प्यारा रिजॉर्ट है आगे वो ऊपर एक डायनासोर बनाया है इन्होंने और उसने देखें गाड़ी को पकड़ा हुआ है और चेक करें जनाब उसमें से एक बंदा जो है नीचे लटक रहा है वो देखो मुंह भी हिला रहा है उसको पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी ब्लू एरिया और आज अफतारी राइड के निकल रहे हैं पाइन सिटी की तरफ और आज मेरे साथ हैं असाम भाई। असाम भाई का ग्रुप आज जा रहा था तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था तो मैंने कहा चलें ज्वाइन करते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी बाइकर्स के साथ और मिल के जो है अफतारी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी ब्लू एरिया में सेवर फूड्स पे, यहाँ से पैकिंग में सेवर पकड़ेंगे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ भी चुके हैं एज यू कैन सी और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, 15-20 मिनट मजीद वेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से पैकिंग पकड़ते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। अभी असाम भाई थोड़ा सा जी बताते हैं आज क्या प्लान है। असाम भाई बेसिकली प्लान ये है कि अमार भाई हमारे जो है ना वो कैप्टन है, अमार भाई ने जो जगह सजेस्ट की है कि बड़ा एक प्यारा रिजॉर्ट है आगे मुनाल से कोई ऑलमोस्ट आधा 1.5 घंटे की आगे ड्राइव पे, तो आगे आगे अमार भाई होंगे, हम लोग काफिला पीछे पीछे होगा। आज फिर आगे आप आगे होंगे, आप कैप्टन है, आपको आप इंजन है हमारे, तो बस वो जगह बड़ी फेट है, मैंने इनकी वीडियो में देखी थी, बड़ी पीसफुल जगह है ना, इंशाल्लाह मजा आएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट और वेट करते हैं फिर उसका सेवर ऑर्डर दे देते हैं फिर निकलते हैं। चलें गुड हो गया। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ویل جناب چیزیں وغیرہ ہم نے ساری لے لی ہیں اور ابھی ہم نکل چکے ہیں آئی ایم لیڈنگ دس کرو اور تقریباً میرے ساتھ ہیں اراؤنڈ 18-20 بائکس اور ابھی ہم بالکل لائن اپ ہو چکے ہیں روڈ پہ آ چکے ہیں حسام بھائی وغیرہ وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا غلط ٹرن لے لیا تو وہ اسلام آباد ہائی وے پہ نکل گئے تھے اور اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے جائیں گے سیدھا دامنے کو کی جو مطلب مارگل ہلز کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے مل کے رائڈ کو سٹارٹ کریں۔ ابھی تقریباً 15 لوگ میرے ساتھ ہیں اور وہ 3 لوگ غلطی سے اس طرف نکل گئے تھے تو ابھی ہم یہاں اس جو ہے سگنل پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ ہو گئے جی 7، زین 8 ہے، پھر یہ 9 ہو گئے، پھر یہ 10 ہو گئے، 11, 12, 13 اینڈ فائنلی 14 بائکس یہاں پہ اور ابھی حسام کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے جی ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں ازلو گرل اور یہاں پہ ہونی ہے نماز بریک۔ یہاں پہ جناب ایک بہت ہی مزے کی چیز بنی ہوئی ہے، یہ سامنے پتہ نہیں آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے یا نہیں، وہ اوپر ایک ڈائناسور بنایا ہے انہوں نے اور اس نے دیکھیں گاڑی کو پکڑا ہوا ہے اور چیک کریں جناب اس میں سے ایک بندہ جو ہے نیچے لٹک رہا ہے वो देखो मुंह भी हिला रहा है उसको पकड़ के। माशाल्लाह जी यहाँ से व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त और कमाल का लाइनअप है बाइकर्स का और तकरीबन हम 17 बाइकर्स हैं और चेक करें कितना मज़े से लाइन में सीक्वेंस में आ रहे हैं और टर्न्स पे लीन करते हुए और क्या ही कमाल नज़ारा है। और जैसे आपको गोप्रो में नज़र आ रहा है मुझे वैसे ही जो है अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में जो है सही नज़ारा मुझे लाइव देखने को मिल रहा है और बहुत ही कमाल का सीन है भाई। अभी बस हम पाइन वैली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सो जी ये सारा नीचे जो है ये पाइन सिटी है बेसिकली, इसके अंदर जो है डिफरेंट जो है वो प्लाजे और बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट बनाना ने शुरू कर दिए हैं तो काफ़ी इसको जो है डेवलप कर रहे हैं तेज़ी से। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितने इन्होंने जंगलात को काटा है। सो यहाँ से जी हम लेंगे राइट लेफ्ट टर्न
और ये है जी पाइन सिटी की एंट्रेंस। अस्सलाम वालेकुम, नीचे जाना है सर टीपू के रेफरेंस से, ठीक है। यहाँ से हो गया जी ज़बरदस्त फिट सा सीन। अब हम सारा यहाँ से डिसेंड करेंगे, अच्छी खासी ये उतराई है और ये है पाइन सिटी। कौन से बाइक गिरी है ये? अच्छा अच्छा, चलो उन्होंने जैकेट शैकेट पहनी हुई है, होपफुली बचत हो गई है। ओके, सो फाइनली पाइन सिटी की जो वाटरफॉल है उसके पास हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही मज़े के पानी के यहाँ पॉन्ड्स हैं और अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ अगर जगह बैठने की ज़्यादा हुई तो वहाँ, नहीं तो फिर नीचे वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। ये हैं जी वाटर पॉन्ड्स। ओए होए होए होए, कितना मज़े का सीन है भाई साहब, भाई साहब लेवल। आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। और पूछते हैं जी, आज असाम भाई के साथ हम आए हुए हैं राइड पे। असाम भाई, कैसी है जगह? अमार भाई, मैं कहता हूँ 200% मार्क्स हैं इसकी लोकेशन के, इसको और पहुंच के भी माशाल्लाह तो इम्प्रेसिव। और हम बहुत बड़े फिट टाइम पे हैं। हाँ, और अभी चलते हैं नीचे वाटरफॉल वाली साइड पे, वहाँ पे हमारे पास काफी स्पेस है बैठने के लिए ना, वो स्टेयर्स बनी है और वहाँ पे हम स्टेप्स में ना बैठ सकते हैं। चले जी, पैकअप करें फिर चले नेक्स्ट लोग। चले जी, अब क्योंकि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया तो चलते हैं नीचे की तरफ। जी भाइयों, कैसी लगी ये जगह? है ना पीसफुल? मुझे नहीं लगता कि आप गोप्रो से कुछ मैं आपको दिखा पाऊंगा, ड्रोन से आपने ऑलरेडी देख लिए व्यूज।
और चेक करें यहाँ पे भी बॉयज इंजॉय कर रहे हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। हाँ जी, दुबई वाले शेख कौन से थे? वो दूसरे थे शायद। कैसी लगी है जी जगह? मजे की है ना अब्दुल्ला? फिट जगह है ना? वंडरफुल यार, सुभान अल्लाह, कमाल का सीन है। सो जी, ये है वाटरफॉल और आज हो रही है यहाँ पे अफतारी सेवर के साथ और इस कमाल की जो है एक छोटी सी टाइनी सी वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ का सीन बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का। सो अभी करते हैं यहाँ पे अफतारी और इसको वापस अभी रख देते हैं। और यहाँ पे जो सारे बॉयज़ रेडी हो चुके हैं जी, वहाँ पे हम बैठेंगे उन स्टेज के ऊपर और वहाँ पे जो हम बैठ के जो है मिल के सारे करेंगे इंशाल्लाह अफतारी। साम भाई, अजान तो भी हो रही है माशाल्लाह, अफतारी तो पहले करा दिया आपने भाई, अजान तो भी हो रही है और आप तो माशाल्लाह आधा सेवर भी छिक गए माशाल्लाह। रोज़ वाली बोतल सामने करें जरा, किधर है वो भाई को दी थी, किधर गई? बल्कि आपने भी मांग के पिया? मैंने कोई नहीं पिया भाई, मैंने अभी नहीं वो किया, आपने माशाल्लाह। आप भी इनके साथ हैं बराबर के? अभी हुई है तो खा तो पहले से रहे हैं ना। ये देखें जी, ये बॉटल चेक करें रूफजा वाली, ये आधा खाली कर चुके हैं। चले जी, कोई बात नहीं, इस व्यू के साथ साथ जो है ना आवाम भूल गई थी। चाय आ गई और जी, और साथ साथ जो है हसाम भाई सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, आज मैंने एक नई चीज सीखी है हसाम भाई से कि अगर आपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो है पिक्चर्स लेनी हो तो आप वीडियो पे डाल दें कैमरे को और बाद में स्क्रीनशॉट ले लें। ओहो, ये है जी भाई जो इतनी ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस ले रहे हैं। ओके जी, इफ्तारी वगैरह भी हो गई, आज का सीन बहुत ही जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रहा। हसाम भाई के साथ बहुत एंजॉय किया और काफी सारे नए लोगों से मुलाकात भी हुई। अभी चाय शाय एंजॉय की और अब यहाँ से निकल रहे हैं। होप करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह की किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।